क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी दवाई है जिसे खाने से शरीर में मौजूद कैंसर के बारे में समय रहते ही जानकारी मिल जाती है? क्या आपको पता है कि चाइना में नंबर 4 को अनलकी क्यों माना जाता है? क्या आपको पता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन की ब्राइटनेस हमेशा ज्यादा करके क्यों रखनी चाहिए? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया का 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जिसे शताब्दी सदी में बनाया गया था। यह दीवार 21,000 किलोमीटर तक लंबी है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन जिस समय इस दीवार का निर्माण किया गया था, उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि चीन की इस दीवार को किस चीज की मदद से बनाया गया होगा और इतने बड़े बड़े पत्थरों को आपस में कैसे जोड़ा गया होगा। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए चावल का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चावल को सही से पका के गम के रॉप पे तैयार किया जाता था, जिसके बाद उसकी मदद से पत्थरों को दो टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता था। इस तरह चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था। हालांकि बहुत सालों के खड़ी ये चीन की दीवार अब कमजोर हो गई है और उसके कई पत्थर अब टूटने लगे हैं, लेकिन हालांकि इसके बाद भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना टूरिस्ट की पहली पसंद है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति खर्राटे लेता हो और उसके आपको नींद खराब होती होगी तो आप सिर्फ हल्दी और शहद का इस्तेमाल कर खर्राटे लेने को कम कर सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। दरअसल हल्दी और शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो रात को सोते समय गले को आराम पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में रोज रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद और छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर उसे पीना चाहिए, जिससे खर्राटे आने की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर आपका पार्टनर भी खर्राटे के शोर से आपकी नींद खराब करता है तो इसे जरूर अपनाएं आप। फैक्ट नंबर 8, अगर आप समुद्र के ऊपर पानी में चलना चाहते हैं तो आप साउथ कोरिया के जिंदो आइसलैंड जा सकते हैं। इस आइसलैंड में हर साल बहुत खूबसूरत और अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जब अचानक समुद्र का पानी नीचे जाता है। ऐसे में समुद्र के बीचे बीच एक रास्ता बन जाता है जो एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से जोड़ने का काम करता है। समुद्र के बीचों बीच बनने वाली इस सड़क की लंबाई 28 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है। बीचों बीच बनने वाली इस सड़क को देखने के लिए हर साल सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं और पैदल चलकर समुद्र के बीचों बीच बने आइलैंड तक चलकर चले जाते हैं। तो क्या आप भी समुद्र में पानी के ऊपर चलने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इस आइसलैंड पे एक बार जरूर जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों को कद्दू यानी सीताफल खाना पसंद नहीं होगा क्योंकि ये बेहद ही नॉर्मल सब्जी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल सी दिखने वाली ये सब्जी हमारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है और इसे खाने से व्यक्ति अधिक बुद्धिमान बन जाता है। दरअसल कद्दू में विटामिन B6 और मिनरल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में कद्दू खाने से शरीर में बना हुआ ग्लूकोज सीधा दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग को ज्यादा बेहतर बना देता है। यही वजह है कि कद्दू खाने वाले लोग नॉर्मल लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसलिए तेज दिमाग के लिए आज से ही कद्दू खाना शुरू कर दीजिए आप। फैक्ट नंबर 6, अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आपको ये बात तो अच्छी तरह से पता होगी कि आईफोन के किसी भी वर्जन में मेमोरी कार्ड लगाने की सुविधा नहीं होती है। लेकिन आखिर आपने एप्पल की कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इसके पीछे ब्रांड की क्वालिटी सबसे अहम वजह है। दरअसल बाजार में कई तरह के मेमोरी कार्ड मिलते हैं जिनका काम की क्षमता में भी अलग अलग होती है। ऐसे में अगर आपके फोन में मेमोरी कार्ड लगा दिया जाएगा तो उसके काम करने की रफ्तार कम हो जाएगी। असल में मेमोरी कार्ड की स्पीड फोन में मौजूद मेमोरी की काफी कम होती है, जिसकी वजह से एप्पल के फोन की क्वालिटी अपने आप कम हो जाएगी। एप्पल के फोन में मेमोरी कार्ड ना देने की दूसरी वजह यह है कि अगर कंपनी मेमोरी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट देती है तो उसे आईफोन का लुक पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। यही वजह है कि एप्पल अपने ब्रांड का नाम और लुक के साथ किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए वो कस्टमर को मेमोरी कार्ड लगाने की सुविधा नहीं देता है। आपको बता दें कि एप्पल अपने हर पार्ट को खुद ही डिजाइन करता है। ऐसे में वो मार्केट में मिलने वाले सस्ते मेमोरी कार्ड के साथ समझौता नहीं करना चाहता है। इतना ही नहीं, एप्पल के फोन में इतनी ज्यादा स्टोरेज होती है कि यूजर को एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप 90s के दशक में पैदा हुए होंगे तो आपको इस बात का पता जरूर होगा कि उस वक्त मार्केट में ब्लैक एंड व्हाइट रंग की फुटबॉल ही मिलती थी। लेकिन बीते समय के साथ साथ कलरफुल फुटबॉल का ट्रेंड हो गया और अब तो इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में भी रंगीन बॉल देखने को मिलती है। दरअसल जब फुटबॉल खेलना स्टार्ट हुआ था तब लोगों के पास सफेद और काले रंग की बॉल हुआ करती थी। इस फुटबॉल से खिलाड़ी प्रैक्टिस किया करते थे और फिर उसी बॉल को मैच में भी यूज किया जाता था।
लेकिन इतने रंग होने के बाद भी फुटबॉल ब्लैक एंड व्हाइट रंग की ही क्यों होती है? असल में कलर टीवी के आने पे पहले लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे ही फुटबॉल मैच देखा करते थे। ऐसे में मैच के दौरान लोगों को बॉल साफ साफ नजर आए, इसीलिए उसका रंग ब्लैक एंड व्हाइट रखा जाता था। कलर टीवी के आने के बाद भी काफी समय तक ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बॉल से ही मैच खेलते थे। बाद में इस रूल को चेंज कर दिया गया था। यही वजह है कि मार्केट में अब अलग अलग कलर की बॉल देखने को मिलती है। हालांकि आज भी ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल ही असली फुटबॉल लगती है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप भी बादल पे पैर रखना चाहते हैं और आसमान का खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जापान जाना होगा। आपने बिल्कुल सही सुना, जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जहां बैठकर आपको बादलों पर घूमने का एहसास होगा। जापान में युक्तुसु डिस्ट्रिक्ट में मौजूद तोमामू रिजॉर्ट जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। इस बिल्डिंग में टूरिस्ट के रुकने के लिए लग्जरीज रूम से लेकर रेस्टोरेंट तक मौजूद है, जहां बैठ के खाना खाने पर इंसान को बादलों के बीच सैर करने का एहसास होता है। दरअसल बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि बादलों को बिल्डिंग के नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में बादलों का झरना देखने को मिलता है। यह रिजॉर्ट युवाओं और कपल के लिए ज्यादा मशहूर है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग डिनर के साथ साथ बादलों का सैर करने का भी लुत्फ उठाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ऐसा जरूरी नहीं है कि विश्वास और अंधविश्वास करने वाले लोग सिर्फ भारत देश में ही मौजूद हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत से देश हैं जहां अजीबोगरीब चीजों पर आंख बंद करके यकीन किया जाता है। ऐसा ही एक देश है चाइना, जहां 4 नंबर को बहुत ही अशुभ माना जाता है। यहां के लोग 4 नंबर से इतना खौफ खाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में इस नंबर की कोई भी चीज खरीदना पसंद ही नहीं करते हैं। दरअसल चाइना में नंबर 4 को मृत्यु से जोड़कर देखा जाता है, जो चीन की प्राचीन पुस्तकों में लिखा हुआ है। ऐसे में चीन नंबर 4 से दूरी बना के रहने में ही भलाई समझते हैं। इस देश में आपको 4, 14 या 24 नंबर वाले फ्लोर या बिल्डिंग नहीं दिखाई देंगे। यहाँ तक कि लोगों के हाउस नंबर और गली नंबर भी इस नंबर के नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप कभी चीन जाएं तो वहाँ नंबर 4 के बारे में बात बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो किसी भी तरह की बीमारी को खत्म करने के लिए इंसान को दवाई खानी पड़ती है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया भर में लगभग 15,000 लोगों ने ऐसी गोली खाई थी जो इंसान के अधूरी शरीर पार्ट में दिखाने का काम करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस दवाई के अंदर एक छोटा सा कैमरा मौजूद होता है। यह दवाई मुंह से सीधा पेट के अंदर नहीं जाती है, बल्कि शरीर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेवल करती है और अंदर जाके उनके शरीर के पार्ट्स को मॉनिटर करती है। इस दवाई को इसीलिए बनाया गया था कि ताकि इंसान के शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में पनपने वाले कैंसर की पहचान कर सके। जब इस दवाई को शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर की कीटाणु के जानकारी मिलती है तो यह एक ऐप के जरिए डॉक्टर या उस पीड़ित व्यक्ति को इसकी जानकारी देती है। दुनिया भर में लगभग 15,000 लोगों द्वारा खाई गई इस दवाई से अब तक 500 लोगों को पहले ही कैंसर होने की बात सामने आई है, जिसके चलते उन्होंने समय रहते ही इसका इलाज करवा लिया है और उन्हें की जान भी बच गई है। यह दवाई कुछ समय के बाद शरीर के अंदर खून में मिल जाती है और फिर वेस्ट के साथ बॉडी से निकल जाती है बाहर, जिसकी वजह से इसे खाने वाले व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोग रात के समय मोबाइल फोन की ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर देते होंगे ताकि मोबाइल फोन की बैटरी बचाई जा सके और आंखों की रोशनी पर भी असर ना पड़े। यही वजह है कि आजकल के मोबाइल फोन में नाइट व्यू का ऑप्शन होता है ताकि कम से कम ब्राइटनेस में फोन चलाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन की ब्राइटनेस कम करने से आपकी आंखों पर उल्टा ही असर होता है? इससे न केवल आंखों कमजोर होती है बल्कि किसी भी चीज में ध्यान लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल फोन की ब्राइटनेस कम करने से किसी भी चीज को देखने के लिए आंखों को जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से नसों पे ज्यादा जोर पड़ता है। इसके साथ ही दिमाग को उसके बारे में सोचने के लिए एक्स्ट्रा ध्यान लगाना पड़ता है, जिससे कि आपकी आंखें भी कमजोर हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधेरे में फुल ब्राइटनेस में मोबाइल चलाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी आंखें की रोशनी कमजोर हो सकती है। इसलिए रात के समय में अपने मोबाइल की ब्राइटनेस 10-30% तक रखें, जिसकी वजह से आपको किसी भी चीज को देखने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी आंखों पे भी आराम मिलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।